एक्टिव न्यूज चैनल, खबरें वही जो होती हैं सच और असरदार। दोनों शहरों की तमाम हलचल पर रखे बिल्कुल नजदीकी नजर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद इम्तियाज़ अली एक्टिव न्यूज़ में आपका खैर मकदम करता हूं। देखते हैं आज की खुसूसी खबर। विरासत में कोई अपनी औलाद को मकान देता है, कोई दुकान देता है। अपनी औलाद को हम दुनियावी दौलत तो दे रहे हैं, जरा सोचिए क्या हम उन्हें दीन की दौलत भी दे रहे हैं? हे ईमान वालों, तुम अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नुम की आग से बचाओ। हम जहन्नुम से तो बच सकते हैं लेकिन बचने की कोशिश नहीं करते, और हम मौत से बच नहीं सकते मगर मौत से बचने की नाकाम कोशिश करते हैं। आज फितनों के इस दौर में एक साफ सुथरा दीनी प्लेटफॉर्म मर्सी वीडियो OTT प्लेटफॉर्म आपकी खिदमत में हाजिर है। खुद भी दीन सीखिए और दूसरों तक पहुंचाइए। मर्सी वीडियो ऐप को डाउनलोड कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان میں شیخ ثناء اللہ مدنی مرسی ٹی وی کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ میڈیا سے آئے ہوئے مہمانوں اور خواتین و حضرات کا استقبال کرتا ہوں اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ الحمدللہ मीडिया समाज का एक आईना है और इंसाफ की आवाज है। आप लोगों को बुलाने का मकसद क्या है? जो आयत मैंने पढ़ी सूरह मायदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 2 कि तुम लोग भलाई के कामों में और नेकी के कामों में एक दूसरे की मदद करो, हेल्प करो, और बुराई के कामों में, दुश्मनी के कामों में, गलत कामों में हेल्प मत करो। आप लोगों को बुलाने का मकसद है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने मर्सी टीवी सेटेलाइट के 2 साल कामयाबी से पूरे कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये सब आप लोगों के सपोर्ट ही से, ख्वातीन और हजरात के सपोर्ट ही से मुमकिन हो सका है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह कामयाबी की तरफ एक कदम और हम बढ़ रहे हैं, मर्सी वीडियो OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह 30 जून 2022 बरोज जुमरात बवक 4 बजे ता 9 बजे किंग्स पैलेस गुड्डी मलकापुर मेहदीपट्टनम हैदराबाद, जिसमें पूरे मुल्क से मशहूर उलमाए कराम तशरीफ ला रहे हैं, जैसे शेख असगर अली इमाम मेहदी हफिजाउल्लाह, शेख जफरुल हसन मदनी हफिजाउल्लाह, शेख रजाउल्लाह अब्दुल करीम मदनी हफिजाउल्लाह, शेख अब्दुल हादी उमरी मदनी हफिजाउल्लाह, शेख शफीक आलम खान जामई हफिजाउल्लाह, डॉक्टर सैयद आसिफ उमरी हफिजाउल्लाह, मौलाना मोहम्मद खान हफिजाउल्लाह और दीगर कई उलमाए कराम तशरीफ ला रहे हैं। हमारा मकसद पैगाम रहमत सारी इंसानियत के लिए इस पैगाम को आम करना है। ये मर्सी वीडियो OTT प्लेटफॉर्म उर्दू और तेलुगू में फर्स्ट फेज हम लॉन्च करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह मुस्तकबिल में, फ्यूचर में, दूसरी और जमानों में जैसे इंग्लिश वगैरह में भी इंशाल्लाह लॉन्च करेंगे। ये जो हमारा मर्सी वीडियो OTT प्लेटफॉर्म है, तालीमी, इल्मी, इस्लाही प्रोग्राम है जो कुरान और हदीस की रोशनी में प्रोग्राम पेश किया गया है। आप तमाम हजरात से दर्दमंदाना अपील है कि मर्सी वीडियो खुद भी डाउनलोड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे लोगों तक भी पहुंचाइए, शेयर करना ना भूलिए। दीन खुद भी सीखिए, अमल कीजिए और दूसरे लोगों तक पहुंचाइए। आप सब मीडिया वालों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहां तक आए। अब आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इस पैगाम को कोने कोने तक पहुंचाएं। मैं आप लोगों के माध्यम से तमाम लोगों से अपील करता हूं कि इस प्रोग्राम को आप दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। तो खैर के काम में देर किस बात की। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जो सवाल पूछा है इसके लिए हमारे जहीर भाई जो डायरेक्टर है हमारे, वही जवाब दे पाएंगे।
अब मैं जहीर भाई से कहता हूँ कि मीडिया वालों से आप भी खिताब करें, फिर वो जो आपसे पूछेंगे आप उसका जवाब रहीम। आप सबका हमारे मर्सी टीवी पैगाम रहमत सैटेलाइट टीवी चैनल में इस्तकबाल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो कामयाबी हमारे नाजरीन से ही है, अल्हम्दुलिल्लाह हम एक कदम और मर्सी टीवी के ओटीटी प्लेटफॉर्म को हम अभी 30 तारीख को जून लॉन्च करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। इसका जो प्लेटफॉर्म का सारे हिंदुस्तान के जो मेजर लैंग्वेजेस है उसमें हम ये मर्सी टीवी का ओटीटी प्लेटफॉर्म को लाने का हमारा इरादा है। पहला मरहला हमारा उर्दू और तेलुगु में रहेगा इंशाल्लाह, और हमारे इस जो प्लेटफॉर्म में जैसे कि एडुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और जैसे कि हेल्थ के और तिब्बे नबवी के और कई सारे लोगों को हम इंशाल्लाह इसके अंदर बड़े बड़े जो जैसे कि लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम भी रहेंगे इंशाल्लाह के। और भी इस चीज़ में हम ये चाह रहे हैं कि और जैसे कि कोई और भी बेहतरीन प्लेटफॉर्म अगर है तो इसके अंदर फ्यूचर में ऐड करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म है कि आपको लाइव भी मिलेगा इंशाल्लाह, आपके प्रोग्राम अगर बाद में भी अगर आप व्यू करना चाह रहे हैं, वॉच करना चाह रहे हैं तो भी इसमें इंशाल्लाह तो सहूलत होगी। ओटीटी प्लेटफॉर्म का तो इंशाल्लाह आजकल बड़े बड़े प्लेयर्स है ओटीटी के, वैसा ही ये मर्सी टीवी का एक एडुकेशनल और दीनी दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो हम यही हमारी गुजारिश है कि हमारे प्रोग्राम में आप सब नाजरीन आए और इसको है ना सक्सेस करें इंशाल्लाह। 30 तारीख 4 बजे से 9 बजे तक इंशाल्लाह ये प्रोग्राम रहेगा। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जय्यद उलमा अकराम इसमें हाजिर होंगे इंशाल्लाह, तो आप सब इसमें हम उम्मीद करते हैं कि आप सब इसमें हाजिर होंगे इंशाल्लाह। और इसमें खवातीन के लिए भी सेपरेट इंतजाम है इंशाल्लाह। जज़ाकअल्लाह खैर। ये हमारा जो चैनल है मर्सी टीवी, ये सैटेलाइट टीवी चैनल है अल्हम्दुलिल्लाह, एयरटेल पे अवेलेबल है और जियो प्लस जियो टीवी प्लस पर भी अवेलेबल है और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है जियो के, और सिटी डिजिटल पे अवेलेबल है और कई सारे मुख्तलिफ हिंदुस्तान के कई सारे नेटवर्क्स पे अवेलेबल है, जैसे कि हम उतना टाइम नहीं है कि हम गिना सके। अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों लोगों तक हमारा जो नेटवर्क अभी पहुंच रहा है, पैगाम पहुंच रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे इसमें हम जो ऑडियंस की जो हमारा सपोर्ट मिला है इसलिए हम बहुत ही खुशी का इजहार करते हुए हम एक्टिव न्यूज चैनल मैनेजिंग डायरेक्टर एंड एडिटर मोहम्मद इम्तियाज अली। For more details and advertisement on this channel, please contact on this number. And do not forget to like, share and subscribe our channel.